नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त दीपक चक्रवर्ती। आईमैक जोन में आप सभी का स्वागत है। सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबाएं आने वाले वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। आज फिर से आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपने एप्पल मैक में वॉलपेपर चेंज कर पाएंगे। वैसे तो एप्पल मैक में वॉलपेपर चेंज करने के कई तरीके हैं, लेकिन मैं आपको मेजर चार तरीके बताऊंगा जो कुछ इस तरीके से है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये कौन सा वर्जन है मेरा। अबाउट दिस मैक में जाएंगे तो देखेंगे आप, ये मेरा ये कैटलिना है। कैटलिना में कुछ इसी तरीके से जैसा मैं बता रहा हूँ ऐसे होगा। इससे नीचे का वर्जन होगा अगर OS का, तो उसमें थोड़ा अलग तरीके का आपको लुक दिखाई दे सकता है, लेकिन चेंज वॉलपेपर चेंज करने का मेथड सबका सेम ही होगा। तो चेंज करने के लिए एक तो आप दो फिंगर से अपने ट्रैक पैड पर टैप करेंगे तो भी ये स्क्रीन आप देखेंगे चेंज डेस्कटॉप बैकग्राउंड, इसको क्लिक करेंगे और चेंज कर सकते हैं। या फिर आप डेस्कटॉप के ऊपर ही राइट माउस क्लिक करेंगे तो भी आपका यही वाला खुलेगा। और तीसरा ऑप्शन है, आप जो है कंट्रोल का बटन दबाएंगे कीबोर्ड में और फिर उसके बाद में सिंगल ट्रैक पैड के ऊपर सिंगल क्लिक करेंगे, एक बार टैप करेंगे तो देखेंगे कि चेंज बैकग्राउंड डेस्कटॉप का ऑप्शन यहाँ से आ गया है। और लास्ट और चौथा ऑप्शन ये है कि आप एप्पल के लोगो में जाइए, सिस्टम प्रेफरेंस में क्लिक कीजिए, टैप कीजिए या क्लिक कीजिए। इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पे सेकंड नंबर पे आ रहा है, ये कैटलिना में है इसलिए आपको ऐसा थोड़ा दिखाई दे रहा है। अगर उससे नीचे का और नीचे के वर्जन होंगे जो, उनमें थोड़ा सा डिफरेंस जगह पर ये चीज़ आ सकता है। तो इसको आप क्लिक करेंगे, डेस्कटॉप स्क्रीन एंड स्क्रीन सेवर को क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि इस तरीके का आपको इंटरफेस नज़र आएगा। इसके बाद आप कि अगर ये डायनामिक के तीन ऑप्शंस होते हैं इसमें, एक ये होता है, एक ये होता है और एक ये होता है, और ये तीनों इन डायनामिक के ऑप्शन को अगर आप सेलेक्ट कर लेते तो इसमें क्या होता है कि सुबह से शाम तक जैसे जैसे दिन आपका चेंज होता जाएगा लाइट के ऊपर, अकॉर्डिंग टू लाइट ये डिपेंड करता है, उसी हिसाब से आपका वॉलपेपर डार्क और लाइट होता जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे रात होगा तो डार्क हो जाएगा और दिन होगा तो लाइट हो जाएगा। ठीक है, इन तीनों में से कोई भी एक चूज करेंगे तो। उसके बाद आता है सेकंड नंबर पे, आप देखेंगे डेस्कटॉप पिक्चर्स, इनमें से कोई भी पिक्चर्स आप ले लेते हैं। सपोज मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ तो ये जैसे आप देख रहे हैं चेंज हो गया है पिक्चर। अगर इस पिक्चर को मैं लेता हूँ तो ये एक ही जैसा रहेगा सुबह से शाम तक। ठीक है, इसी तरह से कलर्स में जाते हैं हम, तो कलर्स में जाने के बाद आप चाहे तो जो भी कोई कलर आप चूज़ करेंगे वो कलर का चेंज हो जाएगा। जब आप इस ऑप्शन में सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक ऑप्शन और आ गया है। ठीक है, हाईलाइट हो गया है, ये देखिए ये वाला ऑप्शन। अगर हम इस ऑप्शन को क्लिक कर देते हैं तो हर 5 मिनट के बाद, आप जैसा भी सेट करना चाहें, एवरी मिनट, हर मिनट के बाद ये अपने आप ही चेंज होता जाएगा और अपने हिसाब से चेंज होगा। और इसको रैंडमली अगर करते हैं, रैंडम ऑर्डर पे करते हैं, तो ये रैंडमली जो है एक के बाद एक चेंज होता जाएगा। ये सिर्फ इसी ऑप्शन में ही है। उसके बाद आप अगर फोटो के अंदर अगर कोई पिक्चर सेव कर रखा होगा तो आप उसको भी आप यहाँ से जैसे फोटो में क्लिक करेंगे वो यहाँ पे दिखाई देगा और उसको भी चेंज कर सकते हैं। उसी तरह से पिक्चर्स जो आपकी अपनी होती है, पिक्चर जो आपने इससे मैकबुक से खींचा होगा या आपने मोबाइल फोन से सिंक्रोनाइज किया होगा पिक्चर के फोल्डर में, उसमें उसको सेलेक्ट करके उसे भी आप। अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आप कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैंने पिक्चर सेलेक्ट किया और मैं यहाँ पे प्लस में क्लिक करता हूँ तो ये मैं सीधा उस फोल्डर में जा सकता हूँ जिस फोल्डर में मैंने पिक्चर सेव किया हुआ है। सपोज़ मेरा डॉक्यूमेंट में मैंने सेव किया हुआ है तो डॉक्यूमेंट में कुछ पिक्चर्स मैंने ऐसे सेव किया हुआ है, इन पिक्चर्स को अगर मैं लूँगा सेलेक्ट करके और अगर चूज़ कर दूँगा यहाँ पे, जैसे मैंने पिक्चर लिया सेलेक्ट किया और चूज़ कर दिया, तो आप देखेंगे कि मेरा जो है ये वॉलपेपर अपने आप ही वो वाला वॉलपेपर आ गया। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं चाहूँ तो इस वॉलपेपर को भी ले सकता हूँ, ऐसे ही मैं चाहूँ तो इस वॉलपेपर को भी ले सकता हूँ। पिक्चर का फोल्डर को जैसे ही मैं सेलेक्ट करूँगा वो सारे के सारे पिक्चर्स के अंदर जितने भी फोटोज़ होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे पिक्चर्स, और इनको भी आप रैंडमली चेंज में सेलेक्ट करके कर सकते हैं। ये मैंने कैसे कहाँ से लिया है आप देखेंगे, डाउनलोड किया है। डाउनलोड का भी तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आप जाइए, ये वाला पिक्चर मैंने ऑलरेडी नेट से डाउनलोड किया है, आप जाइए
सफारी में। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मुझे नेचर का वॉलपेपर चाहिए तो सफारी खोला और उसमें मैंने सर्च कर दिया HD नेचर वॉलपेपर, तो देखिए रिजल्ट आपके सामने है। इसी प्रकार आप अपनी पसंद से डाउनलोड करके भी लगा सकते हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे नेचर से रिलेटेड कई सारे वॉलपेपर्स आ गए हैं। तो आप इसमें फुल HD में क्लिक कर देंगे तो ये सिर्फ फुल HD वाले वॉलपेपर ही आपको दिखाएगा। फिर उसके बाद में इसके ऊपर जाइए, जो भी वॉलपेपर आपको पसंद हो उसके ऊपर जाइए और राइट माउस क्लिक करेंगे या दो फिंगर से करेंगे, ठीक है, और उसको फिर सेव इमेज में क्लिक कर देंगे। सेव इमेज में क्लिक करने के बाद ये देख रहे हैं जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में जाके सेव हो जाता है, या आप चाहें तो जहाँ मर्जी आप चाहें यहाँ से क्लिक करेंगे तो पूरा कंप्यूटर का दिखा देगा। मैं इसको डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर देता हूँ। सेव लीजिए, मैंने डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर दिया जैसा कि आपने देखा, और ये डेस्कटॉप के ऊपर जो है अब ये आपको मैं ये भी बता दूं कि इसको अगर आपने चेंज करना है तो एक ऑप्शन और है, सीधा आप उस वॉलपेपर के ऊपर जाइए और जाने के बाद आप राइट माउस क्लिक कर दीजिए उसके ऊपर। राइट माउस क्लिक करेंगे या दो फिंगर से क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे सबसे नीचे सेट डेस्कटॉप पिक्चर, इसमें क्लिक कर देंगे, यानी कि जो भी पिक्चर को आपने डेस्कटॉप पे लगाना है उसके ऊपर जाकर राइट माउस क्लिक कीजिए, राइट ट्रैक पैड में राइट साइड में क्लिक कीजिए, दो फिंगर से कीजिए, और जैसे आप क्लिक करेंगे या इसके ऊपर जा करके कंट्रोल दबा करके और जैसे आप एक फिंगर से टैप करेंगे तो ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेट डेस्कटॉप पिक्चर में क्लिक कर देंगे आप, तो देखिए आपको इसके बाद ये वाला पिक्चर जो है डेस्कटॉप पे मेरा आ गया। ये HD वॉलपेपर नहीं है इसलिए आपको कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो कैसा लगा मेरा वीडियो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे भी मैं इसी तरह से अच्छी वीडियो लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।